आईज ओपन करो। थैंक यू सो मच। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही एक्साइटमेंट एक्साइटेड होने वाला है, बिकॉज मैं हूँ चंडीगढ़ में और यहाँ पे मेरी एक फैन पिछले एक वीक से मुझे इतने मैसेजेस कर रही है, इतने कॉल कर रही है ना कि मैं उससे बिना मिले नहीं रह सकती। तो अभी मैं उसको फ़ोन कर लेती हूँ और मैं उसको बुला लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि आखिर इतना कोई कैसे मेरे से प्यार कर सकता है। सो लेट्स कॉल हर। हेलो, हेलो, हाय श्वेता। हाय, हाँ मैं ये बोल रही थी कि मैं आपको ना करंट लोकेशन भेज रही हूँ और प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल आप आ जाओ, क्योंकि ना मेरी अभी फ़्लाइट है, मैं थोड़ी देर में निकल जाऊँगी यहाँ से, तो प्लीज़ आ जाओ आप, ठीक है? ओके। सो मैंने उसको कॉल कर दिया है, थोड़ा सा ना उसको करंट लोकेशन भेज देते हैं और जल्दी से बुला लेते हैं। भेज दिया है मैंने लोकेशन और अभी वो आने वाली होगी। लेट्स वेट। हाय हाय हाय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, कैसी हो आप? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। थैंक यू। तो आप हो श्वेता? हाँ जी हाँ जी। अरे आप तो देहरादून से आई है, वैसे लाल लाल हो रखी हैं आप। बस आपके मिलने की खुशी थी दीदी, बहुत एक्साइटेड थी मैं आपसे मिलने के लिए। ये बताओ आपने इतना मुझे, ये बताओ आपको कैसे पता चला कि मैं चंडीगढ़ में हूँ? आपकी स्टोरी, मेरी ये स्टोरी। फैन हूँ मैं आपका, हर हर चीज़ देखते हो आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, सब। आई एम बिग फैन ऑफ यू मैम, सीरियसली। ओके, तो मुझे ये बताओ कि आपको ना किस लिए इतना मेरे से मिलना है, क्या चाहिए आपको? अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, बस आप बहुत एक्सपायर्ड, बहुत ज़्यादा। आपको क्या अच्छा लगता है मेरे बारे में? और आप जो बच्चों की हेल्प करते हो, मैंने आपको देखा, ओह माय गॉड, मैं सेम हूँ आपकी तरह, वाइब सेम करती है, हम लोग बहुत इमोशनल गर्ल्स हैं और मैं वाइब कर रही हूँ आपको। आपको क्या लग रहा है कि मैं इमोशनल हूँ? इमोशनल तो नहीं, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। तो आप क्या 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 देखा आपने मेरे बारे में? देखो श्वेता ना, सच बताऊँ ना कि आपके जो इतने मैसेजेस हैं ना, इतने कॉल हैं ना, और जो आपने मुझे बताया कि आप देहरादून से चंडीगढ़ आ गई जैसे ही आपको पता चला ना, तो मैं सच बताऊँ तो मैं नहीं रोक पाई कि चलो मैं आपसे मिलती हूँ। और मैं इसीलिए अपना टाइम निकाल के, अभी ना मेरी एक घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है, मुझे निकलना भी है यहाँ से फिर से वापस दिल्ली के लिए, तो मैं आपसे इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैंने सोचा कि चलो इतनी प्यारी लड़की है, इतना कॉल और इतना मैसेजेस कर रहा है, तो एक बार तो मिलना बनता है। थैंक यू सो मच दी, आपने थोड़ा टाइम लिया मेरे से मिलने का, आई एम सो ग्लैड। थैंक यू। अच्छा ये तो बताओ आपको चाहिए क्या मेरे से? बी ऑनेस्ट। हाँ एक्चुअली मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। तो जॉब के लिए इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? आप फ़ोन पे मुझे बता सकती थी, आप मुझे मैसेज कर सकती थी। आप बताओ देहरादून से आए हो, आप यहाँ पे कहाँ रुके हो? मैं अभी पीजी ले रखा है मैंने। आपने स्पेशली मेरे से मिलने के लिए पीजी ले रखा है? आप मुझे बता देती, आप किसी होटल में रुक जाती, मैं कर देती उसको पे। आप इतना तो मैं अपनी फ़ैन के लिए कर ही सकती हूँ, और वो भी इतनी प्यारी फ़ैन के लिए। थैंक यू सो मच, पर मेरे को जॉब चाहिए थी। तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, देहरादून से आप कैसे मूव करोगे दिल्ली? आपके लिए तो कुछ भी, आपके लिए कुछ भी, आपके साथ जॉब करूँगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरी फैमिली तो अलाउड करेगी ऑब्वियसली। आप वो मेरी फैमिली आपसे बहुत इंस्पायर करती है, उन्हीं ने मुझे बोला कि चलो ठीक है चले जाओ, उनके उनने बोला तभी मैं आई हूँ। ओके, सो आपकी फैमिली कहाँ? अभी देहरादून में ही है। हाँ जी। आप क्या स्टडी क्या किया है आपने? मैं अभी 12th पास आउट हूँ। हाँ हाँ जी। तो अभी बस जॉब ही ढूंढ रही हूँ, पहले रिसेप्शन की जॉब करी थी मैंने, फिर उसके बाद एक दो मंथ हुआ फिर छोड़ दिया। जब से आपकी वीडियो देखने लगी हूँ तो मैंने सोचा आप तो यूट्यूबर ही बनना है, यूट्यूबर के साथ ही रहना है। तो मैं यूट्यूब बस कुछ टाइम के लिए करती हूँ, बाकी मेरा बिजनेस सेटअप है। मैं यहाँ भी चंडीगढ़ में मैं वीडियोज़ बनाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे अपने काम के लिए, मैं अपने ऑफिस बिजनेस मीट के लिए आई हूँ। कोई नहीं, तो आप मेरे साथ क्या मतलब क्या सीखना चाहोगे यूट्यूब की? यूट्यूब नो नो, आप जैसे हार्ड वर्किंग हो, हाँ हाँ मैं भी वैसे होना चाहती हूँ। ओके, टाइम मतलब सब कुछ परफेक्ट जॉब करते हो, सब कुछ आपसे सीखना चाहती हूँ मैं। अभी मैं अभी मेरे को कुछ भी नहीं आता, जितना इंडिपेंडेंट गर्ल्स को होना चाहिए ना। ओके, देख के मुझे वैसे ही लगता है, मेरे को होना चाहिए आपकी तरह। ओके, सो मैं ना आपके लिए कुछ लेकर के आई हूँ, तो आप अपना आईज क्लोज करो तो फिर मैं आपको दूँ। ओके ठीक है।
राकेश, आईज ओपन करो। दी, थैंक यू सो मच। आना चाहिए था आपके लिए भी। कोई बात नहीं, आप मेरे लिए नहीं लेके आई, आप बहुत सारा प्यार लेके आई हो ना मेरे लिए, वो काफी है मेरे लिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को भी लाना चाहिए था। नहीं नहीं, बिल्कुल से आए हो मेरे लिए। नहीं नहीं, अब मैं आपको बताऊं, आपको लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप हमारी इतनी अच्छी फैन है और मुझे आपके लिए लाना चाहिए था और इसलिए मैं लाई भी हूँ। ओपन करूँ, देखो क्या है। आप इतनी क्यूट है, आपके लिए मुझे लेके आना ही चाहिए। मैं सोच रही थी ना कि आप यूज करोगे और डेली मुझे रिमाइंड। यूजफुल चीज है मेरे लिए। ओपन करो और पहन के भी देखो। ओके। स्टिकर भी है इसमें। सो ये रहा आपके लिए एकदम से। आपको ना इसमें दो कलर के बेल्ट भी मिलेंगे। okay. तो आप ना ऐसे यूज कर सकते हो, एक ये है जो इसके अंदर ही रहने देते हैं। सो दो मैं पहनाऊं। थैंक यू दी, थैंक। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे यूजफुल चीज के लिए है, पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? गिफ्ट भी मिला और अच्छा भी नहीं लग रहा तुम्हें? मुझे कुछ लाना चाहिए था आपके लिए। आप कोई बात नहीं, आप नहीं लेके आई हो, मैं लेकर के आ गई हूँ। कोई बात नहीं, आप आई हो ना, इतना सारा प्यार लेके आई हो, ये काफ़ी है मेरे लिए। मेरे लिए गिफ्ट मैटर नहीं करता है, मेरे लिए आप देहरादून से यहाँ आए हो वो मैटर करता है या गिफ्ट मैटर करता है मेरे लिए? बहुत अच्छे होती सच में, बहुत ज़्यादा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर सच में आप मेरे को रिग्रेट हो, नेक्स्ट टाइम मिलूंगी। नहीं नहीं, रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्जॉय लो मस्त। और सच में आप बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छी लगी हैं आप। और डेफिनेटली ना मैं देखती हूँ आपके लिए कि आप क्या काम कर सकते हो मेरे लिए। प्लीज़ मैसेज करना, मैंने आपको नंबर दे दिया अपना, प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना मेरे को। बिल्कुल, मैंने ना मैंने सोचा कि इतनी प्यारी फैन आ रही है तो क्यों ना मैं इसको रिकॉर्ड करूँ, तो मैंने ना इसको रिकॉर्ड भी किया है। वो देखो सामने कैमरा लगा। थैंक यू दी रिकॉर्ड करने के लिए। क्यों, मतलब आपको इतना पसंद था कि मैं रिकॉर्ड करूं? ऑब्वियसली, फर्स्ट मीटिंग और मेमोरी, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, चलो आपने तो किया, यादगार रहेगा ये। चलो मैं ना आपको कांटेक्ट करूंगी, और मेरी ना अभी एक घंटे में फ्लाइट है तो मुझे निकलना पड़ेगा और मैं सच में बहुत लेट हो रही थी, पर मैंने आज शाम को जा रही हूँ देहरादून दोबारा, पर प्लीज मेरे को मैसेज करना, कॉन्टैक्ट करना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे। चलो मैं आपको कॉल करती हूँ और मैं देखती हूँ कि आप क्या काम कर सकते हो मेरे लिए। सो आई डेफिनेटली कॉल टू यू एंड करते हैं कुछ काम के साथ, ठीक है? चलो, अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। और ऐसी प्यारी प्यारी फैन अगर मुझे इतना सारा प्यार करेगी ना, और क्या चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए और मुझे।